आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शुक्रवार 25 सितंबर 2020 को 3 दिन का बंद समाप्त हुआ। व्यापारी संगठनों के द्वारा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा अपील किए जाने पर सिवनी में 22, 23 और 24 सितंबर को व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया गया था। शत प्रतिशत 3 दिन बंद रहा। 3 दिन बंद के बाद शुक्रवार को बाज़ार खुले, 25 सितंबर को बाज़ार खुले। 3 दिन के बाद एक बार फिर बाज़ारों में रौनक दिखाई दी, बाज़ार में व्यवस्थाएं पटरी पर आती दिखी। सिवनी का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, सिवनी के बाज़ारों का बाज़ार का नज़ारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं अभी भी अनेक लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, मास्क का उपयोग लोग नहीं कर रहे हैं। लोगों को समझाना होगा, लोगों को बताना होगा, प्रशासन को बार बार चालानी कार्रवाई करनी होगी। वैसे भी कहा जाता है, भय बिन प्रीत न हो गोसाई। जब तक लोगों को इसका डर नहीं रहेगा तब तक वे मास्क नहीं लगाएंगे, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि लोग नहीं मान रहे हैं, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो उन्हें हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। दिल्ली अगर कोई गए हो आप में से कुछ लोग जो देख रहे हैं, तो दिल्ली में आपने देखा होगा कि दिल्ली DTC की बसेस में अगर आप सफ़र करेंगे तो वहाँ जो भी बैठे सज्जन बैठे रहते हैं वे गुटखा, जो कोई गुटखा या इस तरीके की कोई चीज़ फाड़ कर मुँह में डालते हैं और पाउच वहीं फेंक देते हैं। और वही व्यक्ति जब उतर के दिल्ली मेट्रो के अंदर जाता है, दिल्ली मेट्रो में वो इस तरीके की गंदगी फैलाने की हिमाकत नहीं कर पाता, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में सख्त चालानी कार्रवाई होती है, चालान बहुत सख्ती के साथ होते हैं। इस तरीके की व्यवस्था सिवनी में भी लागू करनी होगी। जनता को दोष देने से प्रशासनिक विफलताएं छुपाई नहीं जा सकती। जनता को जब तक आप चालानी कार्रवाई नहीं होगी, जनता को ये नहीं पता रहेगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये नियम विरुद्ध है और इसका चालान किया जा सकता है, तब तक जनता उस चीज़ को का पालन नहीं करेगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट है। सिवनी का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। शुक्रवार 25 सितंबर 2020 को 3 दिन के बाज़ार बंद के बाद बाज़ार खुले। सिवनी में व्यवस्थाएं पटरी पर आती दिखी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट है। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 25 सितंबर शुक्रवार का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। 22, 23 और 24 सितंबर को चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारी संगठनों के आह्वान पर बंद, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद का आह्वान किया गया था और शत प्रतिशत बंद रहा। लोगों को ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में उन्हें भीड़ के रूप में एकत्र नहीं होना है। इसके बाद भी कई स्थानों पर भी भीड़ देखी जा रही है। प्रशासनिक अमला भी देखा जाए तो मुख्य रूप से नगर पालिका, पुलिस और राजस्व, तीन विभाग ही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। जो ये देखिए, सज्जन सब्जी बेच रहे हैं और इनका मास्क इनके गले में लटका हुआ है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है इस तरीके के लोगों। ये देखिए आगे जो मास्क टंगे हुए हैं, मास्क बेच रहे हैं, जो सज्जन मास्क बेच रहे हैं वही मास्क नहीं लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये आगे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं इनके सबके मुँह खुले हुए आपको दिख रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और ये नज़ारा कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के सामने के पास का है। यहाँ इस तरीके का नज़ारा आप देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा बार बार प्रशासन को सलाह दी जा रही है कि जिन विभागों में वर्तमान में बहुत ज़्यादा काम नहीं है, उन विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को इसके लिए पाबंद किया जाए कि वे इस तरीके से निरीक्षण करके चालानी कार्रवाई करें, ताकि कोरोना के संक्रमण की चेन को थामे रखा जा सके।
ये आप देखिए यहाँ पर ये जितनी भी दुकानें लगी हुई ये सारे अतिक्रमण ही माना जाएगा। ये सब अतिक्रमण जो प्रवीण सिंह अढ़ाया जब जिलाधिकारी थे तो अतिक्रमण विरोधी अभियान उनके द्वारा चलाया गया था। नवंबर के आखिरी से 15 दिसंबर तक, दिसंबर मध्य तक ये अभियान चला था और उसके बाद एक बार फिर अतिक्रमण होता दिख रहा है। लोगों का एक ये आरोप भी है कि हमारा अतिक्रमण तो आपने हटा दिया पर दूसरे के लिए अतिक्रमण के मार्ग प्रशस्त कर दिए गए। अधिकारी भी वही, विभाग भी वही, सब कुछ वही है। उसके बाद कहीं ना कहीं शिथिलता महसूस की ही जा रही है। सिवनी के दोनों सांसदों, चारों विधायकों को चाहिए कि प्रशासन के साथ बैठक करें। कोरोना के संक्रमण को लेकर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हर सप्ताह आहूत की जानी चाहिए और उस बैठक में जो भी निर्णय लिए जाए अगले सप्ताह की बैठक में पहले उन निर्णयों का पालन प्रतिवेदन क्या रहा उस पर चर्चा किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाए। सिवनी जिले को कोरोना से बचाना है, इसके लिए चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोगों का कहना है कि उनकी आवाज़ प्रशासन सुने तो सुने क्यों, पर चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज़ प्रशासन को सुनना मजबूरी होती है। इसलिए चुने हुए जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है, गुजारिश है, करबद्ध अपील है, दोनों हाथ जोड़कर अपील करते हैं चुने हुए दोनों सांसदों और चारों विधायकों से कि वे प्रशासन के साथ बैठकर रणनीति तैयार करें ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। समाचार एजेंसी पिंडी के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हम फिलहाल इजाजत लेते हैं, आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE, इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है, ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो तीन ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे ये सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत देखने दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये आप हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए लाल के बाद, वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा, ऐड को अगर आप देखिए विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरे को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट, अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साई न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए चार पांच वीडियोस, वीडियोस में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी करिए, सभी को कराइए।